जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी की वाणी से भगवत प्राप्ति का उपाय। इस दुर्लभ मानव जन्म को पाकर भी जो इसी जीवन में भगवान को पाने की चेष्टा नहीं करता, उसका जन्म वृथा है। भगवान का नाम रटो, उनका गुणगान करो, सत्संग करो, बीच बीच में भगवान के भक्तों तथा साधु पुरुषों के दर्शन करो। मनुष्य का मन यदि दिन रात दुनियादारी, सांसारिक कर्तव्यों और दायित्वों में लगा रहा तो वह भगवान का चिंतन नहीं कर सकता। कभी कभी एकांत में जाना और भगवान का चिंतन करना अति आवश्यक है। सत्य और असत्य का विवेक सदा करना चाहिए। केवल भगवान ही सत्य हैं, वे ही नित्य वस्तु हैं, बाकी सभी कुछ असत्य हैं, अनित्य हैं। इस प्रकार के विवेक द्वारा अपने मन से अनित्य वस्तुओं को झाड़ फेंकना चाहिए। तात्पर्य यह है कि भगवान से वैसा ही प्रेम करना चाहिए जैसा माँ अपने बच्चे से, सती स्त्री अपने पति से और सांसारी मनुष्य अपने धन दौलत से करता है। प्रेम की, आकर्षण की इन तीनों शक्तियों को मिलाकर भगवान की ओर लगाओ, तुम निश्चित ही उनके दर्शन पाओगे। इस दिव्य प्रेम को प्राप्त करने के लिए एकांत में जाना अति आवश्यक है। दूध से मक्खन निकालना हो तो उसे एकांत में रखकर दही जमाना पड़ता है। यदि उसे बहुत अधिक हिलाया डुलाया जाए तो दही नहीं जम पाता। इसके बाद और सब काम छोड़कर एक शांत स्थान में बैठकर दही को मथना पड़ता है, तब कहीं मक्खन निकलता है। इसी प्रकार एकांत में बैठकर भगवान का ध्यान करने से ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की प्राप्ति होती है। जब तक लज्जा, घृणा और भय ये तीनों विद्यमान हैं, तब तक भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। तराजू का भारी पल्ला नीचे की ओर तथा हल्का पल्ला ऊपर की ओर जाता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति सांसारिक चिंताओं से भार क्रांत है, वह संसार में ही डूब जाता है तथा जो व्यक्ति कम चिंता करता है, वह भगवान के चरणों में उठ जाता है। भगवान के लिए व्याकुलता किस प्रकार की होनी चाहिए? जब किसी व्यक्ति की नौकरी छूट जाती है और वह नौकरी की खोज में एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर भटकता फिरता है, तब उसमें जैसी व्याकुलता होती है वैसी भगवान के लिए व्याकुलता। आध्यात्मिक जीवन में व्याकुलता के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता। साधु संग निरंतर करते रहने से हृदय में भगवान के लिए व्याकुलता उत्पन्न होती है। यह व्याकुलता उस व्यक्ति की मानसिक अवस्था के समान होती है जिसके परिवार में कोई बीमार हो जाता है, उसका मन निरंतर व्याकुल रहता है और वह यही चिंता करता रहता है कि बीमार किस प्रकार अच्छा हो जाए। जो भगवान के लिए व्याकुल होता है, वह खाने पीने जैसी तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देता। यदि कोई व्यक्ति सतत 12 वर्ष तक पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन करे तो उसकी मेधा नाड़ी खुल जाती है, अर्थात उसकी प्रज्ञा शक्ति खुल जाती है। तब उसकी बुद्धि सूक्ष्म से सूक्ष्म विचारों में प्रवेश करने और उन्हें ग्रहण करने में समर्थ हो जाती है। ऐसी ही बुद्धि होने पर मनुष्य भगवान की प्राप्ति कर सकता है। केवल इसी प्रकार की विशुद्ध बुद्धि के द्वारा भगवत प्राप्ति हो सकती है। संतान नहीं होती इसलिए लोग आंसुओं की झड़ी लगा देते हैं। धन की प्राप्ति नहीं होती इसलिए वे कितना दुख करते रहते हैं। किंतु ऐसे लोग कितने हैं जो भगवान के दर्शन नहीं मिले इसलिए दुखी होते हैं और रोते हैं। जो सचमुच भगवान को चाहता है उनके लिए रोता है, वह उन्हें अवश्य पाता है। जैसा बच्चा खिलौने और पैसे के लिए अपनी माँ की चिरौरी करता है, उसे तंग करता है, रोता पीटता है, वैसे ही जो व्यक्ति भगवान को अपने से अधिक अपना जानकर उन्हें देखने के लिए सरल बालक की भांति व्याकुल होकर अंतर से रोता है, उसे अंत में उनके दिव्य दर्शन का लाभ होता है। ऐसे सच्चे और आग्रही साधक से भगवान छिपकर रह नहीं सकते।
मुझे इसी जीवन में भगवान को पाना है। हाँ, 3 दिन के भीतर मुझे उनको पाना ही है। नहीं, केवल एक बार उनका नाम लेकर मैं उन्हें अपने निकट खींच लाऊंगा। इस प्रकार के प्रबल प्रेम के द्वारा भक्त भगवान को आकर्षित कर सकता है और शीघ्र प्राप्त कर सकता है। किंतु जिन भक्तों का प्रेम मंद है, वे यदि कभी भगवान को पाएंगे भी तो उसमें युग युग लग जाते हैं। यदि भगवान सर्वव्यापक हैं तो हमें वे क्यों नहीं दिखते? जिस तालाब के ऊपर काई जमी रहती है, उसे देखने पर पानी दिखाई नहीं देता। यदि तुम पानी देखना चाहते हो तो काई को सतह से हटा दो। माया के पर्दे से ढकी आंखें लेकर तुम शिकायत करते हो कि भगवान दिखाई नहीं देते। यदि तुम उन्हें देखना चाहते हो तो अपनी आंखों से माया के पर्दे को हटा दो। मनुष्य को कर्म करना ही होगा, तभी वह भगवान के दर्शन पा सकता है। कर्म किए बिना भक्ति नहीं हो सकती, न उनके दर्शन ही हो सकते। कर्म का अर्थ है ध्यान, जप इत्यादि। भगवान का नाम गुण कीर्तन करना भी कर्म है। दान, यज्ञ, ये सभी भी कर्म ही हैं। यदि दर्पण धूल से ढका हो तो उसमें चेहरा दिखाई नहीं देता। हृदय के शुद्ध होने पर भक्ति की प्राप्ति होती है, तभी भगवान की कृपा से उनके दर्शन होते हैं। उनका नाम जपते हुए अपने देह और मन को शुद्ध बनाओ। उनका पावन नाम गुणगान करते हुए अपनी जीभ को पवित्र करो। जिस समय तुम साधक अवस्था में हो, उस समय उन लोगों से दूर रहो जो दूसरों को साधन भजन करते देख उनकी हंसी उड़ाते हैं और जो धर्म तथा धार्मिक लोगों की निंदा करते हैं। एक बगुला मछली पकड़ने के लिए धीरे धीरे तालाब के किनारे की ओर बढ़ रहा था। उसके पीछे एक व्याध उसे लक्ष्य बनाए उस पर निशाना लगा रहा था, किंतु बगुले का उस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं था। अवधूत ने यह देखकर बगुले को प्रणाम किया और कहा, जब मैं ध्यान में बैठूं तो तुम्हारी ही तरह मैं कभी पीछे मुड़कर न देखूं कि मेरे पीछे क्या है। सांसारिक वस्तुओं के प्रति तनिक भी मोह के रहते भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। धागे में यदि छोटा सा रेशा भी बाहर निकला रहा तो वह सुई के छेद के भीतर नहीं जा सकता। जिस प्रकार पोटली फटकर सरसों के दाने यदि चारों ओर बिखर जाएं तो उन्हें बटोरना बड़ा कठिन हो जाता है, उसी प्रकार सांसारिक वस्तुओं के पीछे इधर उधर दौड़ने वाले मन को अंतर्मुख तथा एकाग्र करना भी अत्यंत कठिन है। साधु संग धर्म साधना का एक प्रधान अंग है। जब मनुष्य नीचे लिखे 3 भावों में से किसी एक में प्रतिष्ठित हो जाता है, तभी वह भगवान को पाता है। यह सब कुछ मैं हूँ, यह सब कुछ तू है, तू प्रभु है, मैं दास हूँ। जय श्री राधे।